नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्राइम न्यूज। एनजीटी के आदेशों के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों पर राज्य सरकार के आदेशों से माउंट आबू नगर पालिका मंडल की जनरल मास्टर प्लान में 10 संपत्तियों को मॉडिफाई करने को लेकर हुई आपातकालीन बैठक। जोनल मास्टर प्लान में 10 संपत्तियों को हटाकर ग्रीन बेल्ट में डालने के संशोधन को लेकर हुआ सर्वसम्मति से निर्णय। अब माउंट आबू के लोगों को संशोधन के बाद निर्माण कार्यों में मिल सकेगी राहत। पूर्व में एनजीटी के निर्णय और हाल ही में 22 फरवरी को एडिशनल एडवोकेट जनरल राजस्थान द्वारा चैनल मास्टर प्लान में 10 संपत्तियों को ग्रीन बेल्ट किए जाने और पूर्व में दिए गए राजस्थान उच्च न्यायालय में हलफनामे के बाद राजस्थान सरकार ने नगर पालिका माउंट आबू को इन संपत्तियों को जोनल मास्टर प्लान से ग्रीन बेल्ट बताते हुए संशोधित आदेश निकलने को लेकर आज नगर पालिका की बैठक महात्मा गांधी पुस्तकालय में नगर पालिका अध्यक्ष जीतू राणा, प्रतिपक्ष नेता सुनील आचार्य, पालिका आयुक्त शिवपाल सिंह की उपस्थिति में रखी गई, जिसमें राज्य सरकार के आदेश अनुसार मास्टर प्लान में इन 10 संपत्तियों के लिए संशोधित आदेश निकालने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और इस कार्य हेतु 5 लाख का खर्च करने का भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिससे आने वाले समय में माउंट आबू के लोगों को निर्माण कार्य में स्वीकृति मिल सके। आज भी माउंट आबू में भारी संख्या में जर्जर भवन जिनकी भी स्वीकृति जनता को नहीं मिल पाई है, इसके बाद निर्माण की भी स्वीकृति जारी हो सकेगी। हमारे संवाददाता ने पालिका आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित एवं नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य से की खास बातचीत। आज ये निर्णय लिया गया राज्य सरकार के निर्देश अनुसार। हमने आज बोर्ड मीटिंग आउट की, बोर्ड मीटिंग में ये निर्णय लिया कि जिस फर्म ने यहाँ जोनल मास्टर प्लान बनाया था उसके थ्रू हम वापिस जो एनजीटी के निर्देश थे 10 प्रॉपर्टीज को मॉडिफिकेशन करें, ताकि उसका मॉडिफिकेशन करके उसको रीगजेट करवाएं, ताकि माउंट के वासियों को जो निर्माण की और अन्य जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे उनको राहत मिल सके। माउंट आबू की जब बजट की बैठक हुई थी तो हमने उसमें भी कहा था कि माउंट आबू मास्टर प्लान को संशोधन करना जाए, उसके लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया था, क्यों 5 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति देते हैं ताकि इस मास्टर प्लान को हम संशोधित करा सके। इसको रीमोडिफाई करवाना था, इसको सिर्फ नोटिफाइड करवाना था कि ये रिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टीज थी, इनको यथावत जो एनजीटी की जो गाइडलाइंस है उसको यथावत मानते हुए और इसको डीनोटिफाई करें, और जैसे जब नोटिफिकेशन होगा गजट नोटिफिकेशन करना है, गजट नोटिफिकेशन जैसे हो गया वैसे माउंट आबू का मास्टर प्लान लागू हो जाएगा। माउंट आबू का मास्टर प्लान लागू हो गया तो निर्माण की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान होगा। नियमों के तहत जो मास्टर प्लान और जो बायलॉज के तहत जो स्वीकृति है, जो हम स्थानीय लेवल के ऊपर इनके नक्शे पास करके लोगों को राहत दे सकेंगे, ये बहुत बड़ा निर्णय है। और इसके बाद इसी तरह पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ सब्सक्राइब का बटन दबाकर